आजकल बच्चों को जन्म के साथ ही फोन मिलता है। बोलना, चलना, खाना सीखने के साथ ही वो फोन चलाना भी इसी नन्ही उम्र में सीख जाते हैं। पेरेंट्स भी अक्सर खाना खिलाने के लिए या रोने से चुप कराने के लिए फोन पर उनके पसंदीदा कार्टून या कविता लगाकर दे देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ये बच्चों के लिए कितना हानिकारक है? लोगों की सोच होती है कि बच्चों को शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी से रूबरू करा देना चाहिए, वरना वो जमाने से पीछे रह जाएंगे। खुद को आगे रखने की होड़ में आप भूल जाते हैं कि इससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। शरीर से जुड़ी बीमारियां, फिर चाहे गलत एंगल में बैठने से कमर दर्द हो या गले का मूवमेंट ना होने से स्पॉन्डिलाइटिस हो या आंखों और दिमाग की समस्या जैसे नजरें कमजोर होना, याददाश्त ना ठीक रहना वगैरह। मानसिक बीमारियां जैसे घर पर हमेशा अकेले गैजेट्स के साथ टाइम बिताने के बाद बच्चों को डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। नींद ना आना भी उनमें से एक बीमारी है जो आजकल के बच्चों को हो रही है। मोबाइल फोन से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लंबे समय तक फोन को पकड़े रहने पर टिश्यूज द्वारा सोख ली जाती है। टीनेज उम्र में नर्वस सिस्टम का विकास हो रहा होता है और इनमें वयस्कों की तुलना में मोबाइल फोन के कारण ब्रेन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 50% से ज्यादा बच्चों में मोबाइल की वजह से रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आई है। ज्यादातर बच्चे सोकर या झुककर फोन चलाते हैं, जिस वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं और इसका असर उनके शरीर पर सीधा पड़ता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल देने से धीरे धीरे वो उनके आदी होने लगते हैं और यही आगे चलकर लत में बदल जाती है, जिससे उनका व्यवहार भी बदलने लगता है। जैसे ही उनके हाथ से आप मोबाइल ले लेते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनके व्यवहार में बेरुखी आ जाती है और लड़ाई करने लग जाते हैं या रोने लग जाते हैं। यही चिड़चिड़ापन आगे जाकर मेंटली डिसऑर्डर बनता है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जिन बच्चों को कमरे में मोबाइल चलाने के लिए दिया जाता है, उनमें 30% बच्चों में मोटापा बढ़ने की शिकायत रहती है। कमरे में लगातार एक जगह पर ही बैठे रहने की वजह से और शरीर में हलचल ना होने की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। अगर समय रहते इस पर लगाम ना लगी तो बाद में ये बहुत दिक्कत देगा। बाल चिकित्सा विशेषज्ञों ने बच्चों के पेरेंट्स को सुझाव दिया है कि वो बच्चों के सोने के समय से 1 घंटा पहले से ही एक किस्म का डिजिटल कर्फ्यू लगा दें, मतलब मोबाइल और टैब जैसी चीजों से उन्हें दूर रखें।